नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 1 नवंबर सुबह 8 बजे राजस्थान की खास खबरें। करवा चौथ आया है, खुशियां हजार लाया है, हर सुहागिन ने चांद से थोड़ा सा रूप चुराया है। करवा चौथ पर्व आज है और सुहागिनों में भी भरपूर उत्साह बना हुआ है। इसके चलते अनेक जगहों पर महिलाओं द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिनकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इससे पहले महिलाएं बाजार में खरीदारी करती नजर आई। चूड़ी बेचने वालों की यहां रौनक देखने को मिली। अधिकांश ब्यूटी पार्लर पर भी आम दिनों के बजाय ज्यादा रौनक रही। महिलाओं ने जहां चूड़ियां खरीदी, वहीं अनेक साड़ी विक्रेताओं के यहां भी महिलाओं की भीड़ देखने को मिली। इसके अलावा ज्वेलरी की दुकानों पर भी महिलाएं खरीदारी करने पहुंची। खरीदारी का यह सिलसिला पूरे दिन चला। परंपरा के अनुसार सुहागिनें अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। इस दौरान करवा चौथ की कथा भी महिलाएं सुनेंगी। चांद का दीदार होने के बाद सुहागिनें व्रत खोलेंगी। पंजाब के मोहाली से आम आदमी पार्टी के विधायक कुलवंत सिंह के घर व दफ्तरों में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी की रेड पड़ी। ईडी की टीमें मोहाली के अलावा पंजाब व राजस्थान के 12 लोकेशनों पर एक साथ की गई है। अभी तक अधिकारियों की तरफ से पुष्टि नहीं की गई है कि किस मामले में यह रेड की गई। हालांकि एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक यह रेड ड्रग्स से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हुई है। ईडी की यह कार्रवाई पंजाब पुलिस की तरफ से दर्ज नारकोटिक्स और ड्रग्स से जुड़े किसी केस के बाद मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर हुई है। वहीं पूर्व अकाली मंत्री विक्रम मजीठिया ने दावा किया कि यह रेड दिल्ली की शराब पॉलिसी के मामले में यह रेड की जा रही है, जिसके लिंक पंजाब से जुड़े हुए हैं। खास बात यह है कि कुलवंत के जिन पार्टनरों पर अमृतसर में रेड हुई है, वे शराब के कारोबार से जुड़े हुए हैं। कुलवंत सिंह पंजाब के सबसे अमीर विधायक हैं, जिन्होंने चुनावी एफिडेविट में 250 करोड़ की संपत्ति बताई थी। डूंगरपुर स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर रेप के मामले में फूफा को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1,67,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि दोबड़ा थाना क्षेत्र निवासी एक पिता ने 13 जनवरी 2022 को दर्ज रिपोर्ट में बताया था कि वह और उसकी पत्नी गुजरात में मजदूरी करते हैं। उसकी 16 वर्षीय बेटी अपनी दादी के साथ घर पर रहती है। 2 जनवरी को कंजड़ी घाटा निवासी आरोपी उसकी नाबालिग बेटी को भगा ले गया। पुलिस ने 11 जनवरी को नाबालिग को डिटेन किया। नाबालिग ने आरोपी द्वारा उसका अपहरण कर रेप का आरोप लगाया। पुलिस ने पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपी फूफा को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। चतुर्मास के 5 महीने बाद देवउठनी एकादशी 23 नवंबर से फिर बैंड बाजा और बारात निकलेगी। इस बार पिछले साल से ज्यादा शादियां होंगी। अनुमानित 23 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच देश भर में लगभग 35 लाख शादियां, प्रदेश भर में 2.5 से 3 लाख तो अकेले जयपुर में 14,000 से ज्यादा शादियां होंगी, जबकि पिछले साल शहर में 10,000 शादियां हुई थी। यानी इस बार 13-15% शादियां अधिक होंगी। अकेले देवउठनी एकादशी को शहर में 4500 शादियां होंगी। वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े व्यापारियों का कहना है कि बाजार में नवरात्र व दशहरे के बाद वर्तमान में दीपावली व उसके बाद वेडिंग का सीजन शुरू होने से कारोबार को बंक लग रहे हैं। लोग प्री वेडिंग के लिए अभी से शुभ मुहूर्त में गाड़ियां, आभूषण, कपड़े आदि बुक करवा रहे हैं। नवरात्र से बाजार गुलजार है तो अब दीपावली को लेकर देर रात तक शोरूमों पर ग्राहक की नजर आ रही है। हलोपा विधायक एवं पूर्व मंत्री गोपाल कांडा की मुश्किलें खत्म होती नहीं दिख रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने हरियाणा के बाद अब गोवा और सिलीगुड़ी में कई स्थानों पर छापेमारी की है। यहाँ कांडा के दफ्तर और कैसीनो में देर रात ईडी ने रेड शुरू की थी, जो सुबह तक जारी थी। गोपाल कांडा का गोवा में बिग डैडी नाम से कैसीनो चलता है। उन्हें गोवा का कैसीनो किंग भी कहा जाता है। एक समय कांडा का कैसीनो गोवा में समुद्र के अंदर खड़े रहने वाले शिप पर चलता था। गोपाल कांडा की कंपनी मैसर्स गोल्डन ग्लोब होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के इस शिप में उनका कैसीनो रियो चलता था। यह शिप गोवा की मंडोवी नदी में खड़ा रहता था। सीकर जिले में व्यापार में इन्वेस्ट कर अच्छा रिटर्न देने का झांसा देकर लाखों रुपयों की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने शिकायतकर्ता से दोस्ती कर उसे जाल में फंसा लिया और रुपए हड़प लिए। मामला लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र का है।
पुलिस को दी रिपोर्ट में 40 वर्षीय संजीव गुदारा ने बताया कि सीकर में पुलिस लाइन के पीछे उसके पिता राम सिंह गुदारा का मकान है। वहां आने जाने के दौरान उसकी दोस्ती सीकर कोर्ट रोड स्थित भारत बीज भंडार दुकान के मालिक रूपचंद मेहता वे उसके बेटे राजीव मेहता व कमल मेहता से हो गई। आरोपियों ने बीज के व्यापार में पैसे इन्वेस्ट कर अच्छे रिटर्न का झांसा देकर 10,25,000 रुपए ले लिए और बार बार अच्छा रिटर्न करने का झांसा देते रहे और बाद में रुपए लौटाने से इनकार कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पंजाब के जिला फिरोजपुर में SSP दीपक हिलोरी के दिशा निर्देशों के अनुसार पुलिस द्वारा चोर लुटेरों आतंकी और गैंगस्टरों के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत CIA स्टाफ फिरोजपुर की पुलिस को SP इन्वेस्टिगेशन फिरोजपुर रणधीर कुमार के नेतृत्व में बड़ी सफलता मिली है और CIA स्टाफ फिरोजपुर के इंचार्ज इंस्पेक्टर हरप्रीत सिंह और उनकी पुलिस पार्टी तथा दो गैंगस्टरों के बीच फायरिंग हुई, जिसमें एक गैंगस्टर सुभाष पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है, जबकि दूसरे गैंगस्टर सेवक को भी पुलिस ने पीछा करते हुए काबू कर लिया। जानकारी के अनुसार फिरोजपुर पुलिस और गैंगस्टरों के बीच उस समय मुठभेड़ हुई जब गैंगस्टर सुभाष उर्फ भाषी और उसका साथी सेवक एक स्विफ्ट कार में कहीं जा रहे थे। करीब 10 मिनट तक पुलिस पार्टी और गैंगस्टरों के बीच फायरिंग चलती रही। दोनों गैंगस्टर हत्या जैसे कई संगीन आपराधिक मामलों में वांछित थे और उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। प्रतापगढ़ के विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल मीणा के पिता के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप के मामले को BJP ने चुनावी मुद्दा बना दिया है। कांग्रेस विधायक के पिता पर लगे आरोप के बहाने BJP ने गहलोत सरकार पर महिला सुरक्षा के मुद्दे पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी के पिता पर रेप के आरोप लगे हैं, ये गहलोत सरकार के दामन पर बड़ा सवाल है। सिविल लाइन्स स्थित BJP के मीडिया सेंटर में महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुमन शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता राखी राठौर और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल ने प्रेस वार्ता में राज्य सरकार पर जमकर आरोप लगाए। महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेत्री सुमन शर्मा ने कहा कि राजस्थान की बेटियां भयभीत हैं, डरी हुई हैं, घर से नहीं निकल रही क्योंकि राजस्थान में गहलोत की सरकार है। महिलाओं के स्वाभिमान की बात करने प्रियंका गांधी राजस्थान आती हैं, लेकिन महिलाओं के दर्द पर बात नहीं करती हैं। हरियाणा के बहादुरगढ़ शहर से एक भीषण हादसा सामने आया है, जहां एक घरेलू LPG सिलेंडर फटने के कारण मां बेटी की मौत हो गई, वहीं दूसरी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई है। हादसा कुम्हारों वाले मोहल्ले में हुआ है। सूचना पर शहर थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। हादसे में घायल 3 साल की एक छोटी बच्ची को PGI रोहतक भेजा गया है। मृतका की पहचान सुमन नाम की महिला के रूप में हुई है। सुमन खाना बनाने के लिए रसोई घर में गई थी। जब उसने चूल्हा जलाने का प्रयास किया तभी LPG सिलेंडर तेज धमाके के साथ फट गया। सुमन की मौके पर ही मौत हो गई, वह उसकी 2 छोटी बेटियां घायल हो गई। पड़ोसियों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां 8 वर्षीय एक बच्ची को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मां बेटी की इस दर्दनाक मौत से आसपास का माहौल गमगीन बना हुआ है। जोधपुर में विगत दिनों शहर के सदर बाजार थाना क्षेत्र में एक ज्वेलर्स पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने आरोपी जीजा और एक अन्य को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि आपसी लेनदेन के चलते जीजा ने अपने साले पर जानलेवा हमला करवाया था। इसके लिए उसने एक बदमाश को हायर किया था। बदमाश को 3 लाख रुपए में सुपारी दी थी। हमले से पहले और बाद में करीब 3.25 लाख दे भी दिए। पुलिस ने इस प्रकरण में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही एक नाबालिग को संरक्षण में लिया है। सदर बाजार थाना अधिकारी कैलाश पारिक ने बताया कि 7 अक्टूबर को घोड़े का चौक क्षेत्र में ज्वेलरी का काम करने वाले प्रवीण सोनी और उसका भाई अरविंद सोनी पर रात को बायजी का तालाब के पास कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया था। पुलिस ने प्रकरण में आरोपी किशन सिंह इंदा व भूम सिंह को गिरफ्तार किया है। केंद्र की मोदी सरकार के बाद प्रदेश में भी 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिवाली पर बड़ा तोहफा मिला है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार के 4% DA और बोनस के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही आयोग ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रीमियम रिन्यूअल को भी मंजूरी दी है। आदेश के बाद अब कर्मचारियों को अब तक जो 42% DA मिल रहा था अब वह 40% हो जाएगा। जुलाई से लेकर नवम्बर तक के बढ़े हुए DA की राशि कर्मियों के GPF में जमा होने और उसके बाद में नकद जमा होने की संभावना है। वे 4,800 ग्रेड पे तक के करीब 6 लाख कर्मियों को दीपावली से पूर्व करीब 6,774 रुपए का बोनस मिल सकता है। कर्मचारियों को संबल देने के लिए राज्य सरकार
सालाना करीब 2000 करोड़ रुपए वहन करेगी। इस निर्णय से लगभग 8 लाख कर्मचारियों और 4 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा।